सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कंपैरिजन सीरीज की एक नए एपिसोड। इस सीरीज में हम अलग अलग तरह के फाइटर जेट्स, टैंक्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को कंपेयर करते हैं। आज के एपिसोड में हम इंडिया और पाकिस्तान के दो मॉडर्न आर्टिलरी गन्स को कंपेयर करने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम पाकिस्तान की पैंथर हाउजर्स के साथ इंडिया की ATAGS यानी कि एडवांस्ड आउट आर्टिलरी गन्स को कंपेयर करने वाले हैं। पैंथर हाउजर्स पाकिस्तान की आर्टिलरी डिवीजन की एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिलरी गन है और हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान इनका इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ कर सकता है, और इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास धनुष भी एक ऑप्शन है, लेकिन आज हम इसके साथ ATAGS को कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ATAGS यानी कि एडवांस्ड आउट आर्टिलरी गन से शुरुआत करते हैं। ATAGS एक 155 mm 52 कैलिबर की आर्टिलरी गन है जिसे स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। ATAGS को ARDA के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसके डिजाइन 2010 से शुरू किया गया था। बाद में 2013 से हमारे पुराने आर्टिलरी गन्स को रिप्लेस करने के लिए ATAGS को डेवलप करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। इन गन्स को बस 4 साल के अंदर ही पूरी तरह से डेवलप कर लिया गया और इसे पहली बार 26 जनवरी 2017 को डिस्प्ले किया गया था। इसे अभी टाटा पावर और कल्याणी ग्रुप मैन्युफैक्चर करने वाली है और इंडियन आर्मी ने करीब 150 गन्स के लिए ऑर्डर दे दिया है। उनकी प्रोडक्शन 2019 से शुरू होने वाली है। अब पैंथर हाउजर्स की बात करते हैं। पैंथर हाउजर्स को तुर्किश लैंड फोर्स के लिए MKEK के द्वारा डेवलप किया गया था। ये भी एक 155 mm 52 कैलिबर की हाउजर है जिसे 1990s के दौरान डेवलप किया गया था। इसकी प्रोडक्शन को सन 2000 से शुरू किया गया था और ऑफिशियली इसे 2002 में सर्विस में एंटर किया गया था। पहले तो इसे सिर्फ तुर्की इस्तेमाल करता था, लेकिन बाद में पाकिस्तान भी इसका इस्तेमाल करने लगा और अभी पाकिस्तान के पास इससे 72 से ज्यादा गन्स मौजूद हैं। प्रवीण गन्स को पाकिस्तान के हेवी इंडस्ट्री टक्सिला में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाता है और तुर्की की तरफ से इन गन्स की टेक्नोलॉजी को भी पाकिस्तान के साथ शेयर किया गया है। अब इन दोनों गन्स की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ATAGS से शुरुआत करते हैं। इसका वजन करीब 12,000 kg है, लेंथ 8.06 मीटर का है और इसे ऑपरेट करने के लिए 6 से 8 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। पैंथर गन्स का वजन करीब 18,000 kg है, इसका लेंथ करीब 11.6 मीटर है और इसे ऑपरेट करने के लिए 6 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि ATAGS 155 mm 52 कैलिबर की आर्टिलरी गन है। इसमें स्क्रू टाइप ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें इलेक्ट्रोरियोलॉजिकल और मैग्नेटोरियोलॉजिकल रिकॉइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। पैंथर भी एक 155 mm 52 कैलिबर की आर्टिलरी गन है। इसमें सेमी ऑटोमेटिक इंटरप्टेड स्क्रू और इलेक्ट्रॉनिक रैंपर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ATAGS का एलिवेशन -3 से लेके 70 डिग्री तक हो सकता है और इसका ट्रावर्स +25 डिग्री से -25 डिग्री तक हो सकता है, जबकि पैंथर गन्स के एलिवेशन -3 डिग्री से लेके +65 डिग्री तक हो सकता है और ट्रावर्स करीब 20 डिग्री से -20 डिग्री तक हो सकता है। रेट ऑफ फायरिंग की बात करें तो ATAGS ब्रस्ट मोड में 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड को फायर कर सकता है, इंटेंस मोड में 3 मिनट के अंदर 15 राउंड्स को फायर कर सकता है और सस्टेंड मोड में 60 मिनट के अंदर 30 राउंड को फायर कर सकता है। वहीं पर पैंथर गन ब्रस्ट मोड में 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड को फायर कर सकता है, इंटेंस मोड में 1 मिनट के अंदर 6 राउंड्स को फायर कर सकता है और सस्टेंड मोड में 60 मिनट के अंदर करीब 120 राउंड को फायर कर सकता है। रेंज की बात करें तो ATAGS का इफेक्टिव रेंज 40 किलोमीटर तक है और बेस ब्लेड एमुनेशन के साथ इसकी फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। वहीं पर पैंथर गन्स की इफेक्टिव रेंज 18 किलोमीटर तक है, जबकि बेस ब्लेड एमुनेशन के साथ इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 30 से 40 किलोमीटर तक हो सकती है। अब इन दोनों गन्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले दोनों गन्स की बेसिक स्पेसिफिकेशन और ऑपरेशन पर नजर डालें तो दोनों ही सेम कैलिबर की हैं, लेकिन ATAGS का वजन पैंथर गन्स के मुकाबले थोड़ा सा कम है, इस वजह से इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन ATAGS को ऑपरेट करने के लिए 2 एक्स्ट्रा क्यू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। वहीं पर एलिवेशन और ट्रावर्स के मामले में देखा जाए तो ATAGS पैंथर गन्स के मुकाबले थोड़े हायर एंगल के साथ अटैक कर सकता है, लेकिन रेट ऑफ फायरिंग की बात करें तो पैंथर गन्स ATAGS के मुकाबले ज्यादा राउंड्स को फायर कर सकते हैं और सस्टेंड मोड में ATAGS से लगभग 4 गुना ज्यादा राउंड्स को फायर कर सकते हैं। यहाँ पर पैंथर गन्स के पास ATAGS के मुकाबले एडवांटेजेस है, लेकिन अगर रेंज की बात करें तो पैंथर गन्स की इफेक्टिव रेंज बस 18 किलोमीटर तक है और बेस ब्लेड एमुनेशन के साथ इनकी रेंज 30 से 40 किलोमीटर तक हो सकती है।
वहीं पर ATAGS की इफेक्टिव रेंज 40 किलोमीटर तक है और बेस ब्लेड एमओ के साथ ये 48 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मार कर सकते हैं और इस मामले में पैंथर गन्स के मुकाबले ATAGS के पास काफी एडवांटेजेस है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही अपने आप में दो बेहतरीन आर्टिलरी गन है। दोनों में बहुत ही टफ कंपटीशन है और किसी एक पॉइंट को नजर में रखते हुए किसी को विनर बताना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगर हम सारे पॉइंट्स पर नजर डालें तो ATAGS हल्का है, वहीं पर पैंथर गन्स को ऑपरेट करने के लिए कम लोगों की जरूरत पड़ती है। ATAGS ज्यादा एंगल में फायर कर सकता है, पैंथर का रेट ऑफ फायरिंग ATAGS से ज्यादा है। ATAGS का इफेक्टिव रेंज और मैक्सिमम फायरिंग रेंज पैंथर गन से काफी ज्यादा है। तो अगर इन सब चीजों को पॉइंट वाइज कैलकुलेट करें तो 5 में से ATAGS को मिलती है 3 पॉइंट और पैंथर को मिलती है 2 पॉइंट। तो पॉइंट के बेसिस पर हम ATAGS को विनर मान सकते हैं, लेकिन पैंथर भी एक बेहतरीन आर्टिलरी गन है। तो दोस्तों ये थी इंडिया की एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन्स और पाकिस्तान की पैंथर गन के बीच एक हेड टू हेड कंपैरिजन। आशा करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो के बारे में आपके जो भी सुझाव है आप कमेंट करके बता सकते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।